वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में, मेमोरी के टाइप कितने हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम टू टाइप से मेमोरी को डिवाइड कर सकते हैं, एक मेमोरी को रीड या राइट करने से और सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो फर्दर टू भाग में डिवाइड होती है, एस रैम और डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दोनों जो एस रैम और डी रैम है उसमें डिफरेंट कौन सा है इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हमारी जो कैश मेमोरी आती है वो हमारी एस रैम है, और जो हमारी रैम आती है वो हमारी डी रैम है यानी कि डायनेमिक रैम। तो उसके कैरेक्टर में बात करते हैं, जैसे कि एस रैम की लाइफ जो है वो कई ज़्यादा लॉन्ग लाइफ है उसकी, और उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ये रैम है वो डी रैम से फास्ट है, फास्ट होने से उसकी जो प्राइस है वो भी डी रैम से ज़्यादा है, और ये रैम है वो हाई पावर कंज्यूम करता है यानी कि पावर उसको ज़्यादा लगता है। इसके सामने डी रैम की बात करें तो उसकी डेटा लाइफ टाइम है वो शॉर्ट है यानी कि कम है, और उसे बार बार रिफ्रेश करने की हम ज़रूरत रहती है। यह मेमोरी स्लोअर है कंपेयर टू एस रैम, और उसकी प्राइस भी कम है। तो ये दोनों जो एस रैम और डी रैम है वो हम रीड या राइट कर सकते हैं उसे। अब सिर्फ रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात करते हैं, उसके टाइप कितने हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। ये जो रोम है उसमें खास प्रकार के प्रोग्राम किए होते हैं, जैसे कि अपना वॉशिंग मशीन का जो फंक्शन है वो एक रोम चिप है इसमें स्टोर हो गए, और एक बार डेटा इनमें से रीड करने से बाद ये जो है उसमें डेटा इरेज नहीं होता यानी कि डेटा स्टोर ही रहता है। और ये रोम है उसमें जो प्रोग्राम है वो मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान यानी कि फैक्ट्री में जब ये रोम चिप बन रही होगी तभी उसमें कोई प्रोग्राम किया जाता है, हम अपने मुताबिक इसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते। अब बात करें पी रोम की यानी कि प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, तो उसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान जो रोम चिप बनाती है उसमें कोई भी प्रकार का प्रोग्राम नहीं करते, वो यूज़र को दे कहती है कि वो अपने मर्जी से ही अपना पसंद का जो भी उसको फंक्शन डालना है वो डाल दे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप सिर्फ एक बार ही जो प्रोग्राम डालना चाहते हो वो एक इंस्टॉल कर सकते हो, बाद में उसे इरेज नहीं कर सकते, वही का वही प्रोग्राम ही रहेगा। तो इसकी ये मर्यादा के वजह से एक नई रोम आई जो इसका नाम है EEPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो भी यूज़र है वो अपनी मर्जी मुताबिक चाहे इतनी बार इसमें प्रोग्राम लिख सकता है और इसे इरेज कर सकता है। वो EEPROM में वो फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होती है, उसमें UVPROM यानी कि अल्ट्रा वायोलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी जो है वो EEPROM है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ये UVPROM और EEPROM में डिफरेंस क्या है? EEPROM है उसमें इलेक्ट्रिकल के द्वारा इनमें जो प्रोग्राम है उसे इरेज किया जाता है, और UVPROM है इसमें अल्ट्रा वायोलेट की मदद से इसमें जो प्रोग्राम है उसे इरेज किया जा सकता है। तो हम मेमोरी का चार्ट देखें तो कुछ इस तरह से होता है मेमोरी का चार्ट, जहाँ पे मेमोरी रीड या राइट और रीड ओनली ऐसे टू पार्ट में डिवाइड होती है। और रीड राइट में क्या आते हैं? एस रैम और डी रैम आती है, और रीड ओनली मेमोरी में रोम पी रोम और EEPROM आती है। उसमें EEPROM फर्दर टू पार्ट में यानी EEPROM और UVPROM में डिवाइड होती है। तो इसी तरह मेमोरी का जो सारा का सारा चार्ट है वो इस तरह का आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।